प्रदेश के डीजीपी एसआर मरंडी ने एसएसपी कार्यालय धर्मशाला में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता जरूरी है। इस दिशा में प्रदेश पुलिस कार्य कर रही है, वहीं सेलिब्रिटीज को भी नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने में सहयोग लिया जा रहा है। अब तक प्रदेश पुलिस 2.5 लाख लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक कर चुकी है। उन्होंने बताया कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को नशे के खिलाफ संदेश विश्व भर में प्रचारित हुआ है, क्योंकि नशे के खिलाफ अकेला हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश व विश्व में अन्य देश भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उड़न सिख के नाम से व्याख्यात 91 वर्षीय मिल्खा राम ने नशे के खिलाफ संदेश दिया है, जिसका वीडियो क्लिप भी पुलिस ने अपलोड कर दिया है। उन्होंने कहा कि खनन व नशा के खिलाफ हिमाचल पुलिस द्वारा विभिन्न जिलों में साथ लगते राज्यों के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम भी दिया जा रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। उनकी समस्या वो बताएंगे, तो इसलिए हमने एक डिसीजन ले लिया है कि ये जो नशा है हिमाचल से रूट आउट करना, और इस दिशा में हम वीडियो क्लिपिंग अपलोड किया, ये भी सर्कुलेट हो रहा है। इसका भी अपना जो इम्पैक्ट, जैसे फिल्म इंडस्ट्री से हमने प्रीति जिंटा और जो अनुपम खेर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने वीडियो क्लिपिंग भेजी, और स्पोर्ट्स फील्ड में हमारा अजय ठाकुर है, सुषमा वर्मा है, हमारा जो प्रियंका नेगी है, हिस होलीनेस दलाई लामा जी से रिक्वेस्ट करके उनका वीडियो क्लिप लोड किया, हमारे गवर्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट किया, उनकी वीडियो क्लिप लोड किया, और कॉपी प्लांट्स, और इसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं, कैनबिस प्लांट को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी सीजन चला हुआ है कि हमने कैनबिस का डिस्ट्रक्शन हमारा चाहिए। इसके अलावा हम एक सप्लाई रिडक्शन के लिए अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं। ये अवेयरनेस कैंप करने के लिए ही मकसद से हमने नशा निवारण समिति बनाई। नशा निवारण समिति में 3 चीजें हैं। उन्होंने कहा कि एक आकलन के अनुसार पड़ोसी देश भी युवा शक्ति को खराब करने के लिए हेरोइन भेजने का काम करता है, जो कि नेपाल के रास्ते जम्मू कश्मीर के रास्ते भेजी जाती है। हेरोइन सप्लाई से आने वाले पैसे से पड़ोसी देश हथियार खरीदते हैं। प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों व चौकियों में स्टाफ की कमी पर डीजीपी ने कहा कि कई जगह ऐसी समस्याएं हैं, जो चौकियां थानों में अपग्रेड हुई हैं वहां ऐसी समस्या ज्यादा है। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी के मामले में सरकार के साथ बातचीत की जाएगी। इससे पहले डीजीपी ने 3 जिलों कांगड़ा, चंबा, ऊना के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में संबंधित जिलों के एसपी, एएसपी, डीएसपी व थाना प्रभारियों ने भाग लिया। डीजीपी ने बताया कि बैठक के दौरान जिला में गठित नशा निवारण कमेटियों की गतिविधियों को रिव्यू किया गया, अपराध के मामलों पर चर्चा की गई, साथ ही बैठक में विभिन्न थानों के प्रभारियों से सवाल जवाब भी किए गए। वहीं पंजाब से सटे नूरपुर क्षेत्र में खनन व तस्कर के बढ़ते मामलों के चलते नूरपुर में एसपी तैनात करने के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार स्वीकृति देती है तो हमें इस मामले में पूरा जोर लगाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता की मांग अनुरूप हम कार्य करने को तैयार हैं, यदि सरकार स्वीकृति दे तो। इसका डिस्ट्रक्शन हमारा चाहिए। इसके अलावा हम एक सप्लाई रिडक्शन के लिए अवेयरनेस कैंप करते हैं। ये अवेयरनेस कैंप करने के लिए ही मकसद है, हमने नशा निवारण समिति बनाई। नशा निवारण समिति में 3 चीजें हैं, हमारा मकसद है। एक तो हमारा सप्लाई रिडक्शन, दैट मीन्स एनफोर्समेंट के लिए और डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए मदद मिले लोगों से, और अवेयरनेस कैंपेन जो नुक्कड़ नाटक, प्रोसेशन या गैदरिंग, ये करके एक मास स्केल में अवेयरनेस करें। और तीसरा जो हमारा मकसद है, जो विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करके उनके पेरेंट्स से बात करके निजीता का ख्याल रखे, उनको डी एडिक्ट कराने का प्रयास करें, जो डी एडिक्शन सेंटर पे उनको ले जाए और उनको समझाए कि ये जो परमानेंट कोई समस्या नहीं है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये डी एडिक्शन हो सकता है, उसके बाद रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसको रिहैब कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा उनको समझाए और कॉन्फिडेंशियल रखें, पब्लिसिटी ना करें। इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन देता है उनका भी हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, इन्फॉर्मेशन हम लीक नहीं करते, ये एक हमारा स्ट्रेटजी रहा। इसके अलावा हमने ये जो एक सेलिब्रिटी कैंपेन भी लॉन्च किया, हमारा फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में हमने जो सेलिब्रिटी है हिमाचल से, जो फिल्म फील्ड से है या स्पोर्ट्स फील्ड से है या और फील्ड से है, उनको हमने रिक्वेस्ट किया और उनका जो वीडियो क्लिपिंग अपलोड किया, ये भी सर्कुलेट हो रहा है। इसका भी अपना जो इम्पैक्ट है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री से हमने प्रीति जिंटा और जो अनुपम खेर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने वीडियो क्लिपिंग भेजी,
और स्पोर्ट्स फील्ड में हमारा अजय ठाकुर है, सुषमा वर्मा है, हमारा जो प्रियंका नेगी है, जिन्होंने इन दोनों ने अजय ठाकुर और प्रियंका नेगी ने एशियन गेम्स जकार्ता में मेडल भी जीते हैं। ये हमारा डीएसपी और इंस्पेक्टर है। और इसके अलावा हमने श्वेता राणा जो इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर है उनका भी क्लिप लोड किया, हिस होलीनेस दलाई लामा जी से रिक्वेस्ट करके उनका वीडियो क्लिप लोड किया, हमारे गवर्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट किया उनकी भी वीडियो क्लिप लोड किया, और मिल्खा सिंह हाल ही में आपने पढ़े होंगे उनका भी जो है विचार जो ड्रग्स के खिलाफ हमने पब्लिक के सामने रखा। और ये एक अलग कैंपेन हमारा चला हुआ है जो मैं करता हूँ, इसका जो इम्पैक्ट रहेगा। और दूसरा ये एसएचओ कॉन्फ्रेंस भी एक